खबर है भदोही से। भदोही इंदिरा मिल स्थित आधुनिक तकनीक से लैस नव निर्मित जीवन ज्योति हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर सेंटर का हुआ भव्य उद्घाटन। भदोही जीवन ज्योति हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर सेंटर के नव निर्मित भवन का मंगलवार को मुख्य अतिथि पूर्व प्रोफेसर प्रमुख हड्डी रोग विभाग आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ डॉक्टर शांतनु लक्कड़ द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन मंत्री रविन्द्र जायसवाल को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं आ सके। इस अवसर पर पूरा हॉस्पिटल लोगों से खचाखच भरा हुआ पाया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शांतनु लक्कड़ को वहां पर पहुंचने के बाद उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया, जहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर शांतनु लक्कड़ ने हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर केपी जायसवाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पर मरीजों का कुशल और समुचित इलाज हो पाएगा। इसके साथ ही हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में मड़ियाऊ के विधायक डॉक्टर आर के पटेल संबोधित करते हुए कहा कि जिस बिल्डिंग में जीवन ज्योति हॉस्पिटल स्थापित है, उस बिल्डिंग में मेरा भी अस्पताल किसी समय स्थापित हुआ था। भदोही से कैमरामैन दिलशाद खान सानू के साथ विशेष रिपोर्टर आजाद खान बापू की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आज ये उद्घाटन का मौका है जीवन ज्योति हॉस्पिटल का, और ये भव्य नज़ारा आपके सुनने में आ रहा है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल अभी जो है आज इसका उद्घाटन हुआ है, और चमचमाता हुआ अस्पताल जनता के बीच डॉक्टर के पी जायसवाल ने समर्पित किया है, और भंडारा भी चल रहा है, सारे लोग मेहमान सब। देखिए एक हमारे साहब आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं के पी जायसवाल को, क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ये कर रहे हैं। के पी जायसवाल डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक भगवान है, बहुत बहुत धन्यवाद का स्वागत है। आज देख रहे हैं कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन हुआ है, सुबह से लेकर अभी तक भंडारा चल रहा है। हमारे साथ के जायसवाल जी जो के पी जायसवाल के पुत्र हैं वो जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपका धन्यवाद यहाँ पे स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए बस सारे हॉस्पिटल बनाए, यहाँ सुविधा का आनंद लीजिए हॉस्पिटल का। आप कह रहे हैं कि जनता की सुविधा के लिए हॉस्पिटल समर्पित किया गया है, वैसे भी 18 वर्षों से इनके पिताजी जो है भदोही में अपना जो है बहुत ही बड़ा योगदान जनता के बीच में दिया है, और काफ़ी जो है जनता को यहाँ से व्यवस्था मिली है, और वो भी जो है उनकी तरफ से भी धन्यवाद। आप भी कुछ कहेंगे टिक्कू बोलते ही भाई जी? हम तो यही कहेंगे कि हमने तो हमारे घर वालों ने, बड़े पापा ने, भैया ने किया है, लोगों की भी किया है, लोगों की वजह से किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुबह से लेकर अब तक भंडारा चल रहा है, तमाम लोग जो है भंडारे का लुत्फ उठा रहे हैं, और खिचवाड़ी का मौका है, बसंत ऋतु जो है बहुत ही शुभ के पी जायसवाल के लिए। देखिए सज्जन हमारे जी जो है क्या कहना चाह रहे हैं? जो है बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी है, काफ़ी पब्लिक आए यहाँ पे, हम समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आगे आए। क्या नाम है आप? हमारा चंदन कुमार हलवाई, इंदिरा मिल से ही है, चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं बहुत ही इसी क्रांति के साथ भोज हो रहा है, और बसंत ऋतु भी है, और मौसम की बहार है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? जीवन ज्योति हॉस्पिटल डॉक्टर साहब सब सही हैं, और आप जो है हमेशा गवर्नमेंट से रहिए, उसी का परिणाम है कि आप निजी बिल्डिंग में आ जा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे जनपद, क्योंकि हम लोग सामाजिक आदमी हैं, बीसों लोग आते रहते हैं, कहाँ जाए भैया, किस डॉक्टर के पास जाए। मैं डॉक्टर जायसवाल को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया, और इससे ज़्यादा उनसे ये उम्मीद करूँगा कि इससे और बेहतर गाय जो भी हो सके भदोही जनपदवासियों को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनता की सेवा कर रहे थे, आज उन्होंने अपनी एक बुनियाद खड़ा किया है भदोही के अंदर। डॉक्टर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग के बीच, और इतना जनता का मेरा सहयोग है, सभी लोग हमारे बीच हाजिर हैं, सभी का आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, इससे बड़ी कोई खुशी जिंदगी में हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद ये करें, इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ए के सिंह जीवन दीप से यहाँ बैठे हुए, इंद्र गुप्ता जी। आज का दिन
बड़े ही खुशी का बड़े अपार मेरे और उम्मीद करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता को हमारे क्षेत्र को इनके अनुभव का और इनके सहजता का लाभ मिल रहा है और भी और मैं इनकी और इनके निरंतर प्रयोग की हमारे करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और भी नई ऊंचाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर संतु लहकर जी जो आसाम से चलकर आए हैं और डॉक्टर साहब से बोल रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूं और पूछना चाहता हूं क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर। आपको देखा है क्या एक गुरु का क्या आनंद अनुभव होने सकता है, तो मैं आज बहुत खुश हूं क्या मैं आज खुद है जहाँ मैं आप लोग को सेवा दे रहा है और उससे आगे वो इतना बहुत कमती खर्च हमें दे रहा है जिसके लिए उसको इतना सक्सेस हुआ है। और मैं आगे का दिन में भी इसको रिक्वेस्ट करता हूँ और ऑर्डर भी देता हूँ ये कमती खर्च हमें चिकित्सा उपलब्ध करे और मॉडर्न ऑर्थोपेडिक चिकित्सा यहाँ में देने के लिए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो है डॉक्टर आर के पटेल जी हैं जो कभी इसी बिल्डिंग में जो जिसमें पहले जीवन ज्योति है उसमें आप ये थे और अभी आपने डॉक्टर साहब ने कहा था ये बिल्डिंग उन्होंने मुझे दिया था लेकिन उसके बाद एक बड़ी बुनियाद खड़ी कर दी डॉक्टर ने। और डॉक्टर पटेल साहब आपका स्वागत है, आप मणियाओं के विधायक भी हैं जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर के पी जायसवाल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का यहाँ पर निर्माण कराया। उन्हें एक बात के लिए और भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने गुरु को यहाँ इन्वाइट किया और आप सबके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूँ के पी जायसवाल जी योग्य चिकित्सक हैं, उनके सर्विसेज अफोर्डेबल है, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, तो आप सब इनकी सेवा का फायदा उठाएँ और आप भी मीडिया के माध्यम से सबको कहें भदोही में एक अत्याधुनिक हड्डी का अस्पताल खुल गया है, आप लोग जाएं और निसंकोच इनके सेवा का फायदा उठाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब जनप्रतिनिधि हैं, अभी बीच में जौनपुर की जो है बात सड़कों की हुई थी तो मैं उस सड़कों के लिए पूछना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं आप। जो अभी तक यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं उनका यही अनुभव रहा होगा कि ये सड़क कभी अच्छी नहीं रही, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 1.5 से 2 सालों में आप 25 मिनट में जौनपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राहुल सिंह जी हैं, आलोक सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं। देखिए सभी ने सब कुछ कह दिया, मैं केवल इतना कहूँगा, मैं तो एक घर के सदस्य छोटे भाई के रूप में हूँ। डॉक्टर के पी जायसवाल जी का पूरा नाम कामाख्या प्रसाद जायसवाल जी है, माँ कामाख्या देवी का बाबा विश्वनाथ का असीम कृपा है इनके ऊपर और निश्चित रूप से जीवन ज्योति फ्रैक्चर सेंटर इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मेरा आप लोगों से सहृदयता से ये निवेदन है कि हॉस्पिटल चलाने में और डॉक्टर के पी जायसवाल जी के कदम से कदम मिलाने में अपना भरपूर सहयोग करें, आपको पूरा लाभ मिलेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में नगर चेयरमैन निवर्तमान चेयरमैन अशोक कुमार जयपाल जी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद। आज डॉक्टर के पी जायसवाल के हॉस्पिटल नवनिर्माण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशी है। इस हिसाब से डॉक्टर साहब ने तरक्की कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं 200 साल से हर मरीज की देखभाल करते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है, इसमें आधुनिक यंत्र मंगाए गए, सारी व्यवस्था है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय कल्याण समिति के